अभी हम जा रहे हैं, रात बहुत देर हो गई थी तो उसने हम जा नहीं पाए, और उसको कोई बाइक वाला ठोक कर चला गया, उसके ना दोनों पैर टूटे हुए हैं। अब जाके देखना है कि उसकी कंडीशन क्या है, फिर उसके बाद उसको रेस्क्यू करके फटाफट हॉस्पिटल ले जाते हैं और देखते हैं फिर डॉक्टर्स लोग क्या बताते हैं, ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर प्लास्टर से ठीक हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं आगे जा कर के क्या है उसकी सिचुएशन। भैया इसको हल्का सा उठाना, इस हिसाब से प्लेट पकवाएंगे ना। ये आगे का है और पीछे वाला भी दिख रही, बोन कहाँ दिख रही मैम? बोन नहीं दिख रही, नस वो है, मांस है। हाँ हाँ, अब पीछे वाला, पीछे वाले में भी दिख रही है? उसमें कुछ नहीं दिख रही, उसमें कुछ नहीं दिख रहा ना, खाली ऐसे किसी चोट जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे दिख रही, मैं डॉक्टर मनीष को भेज देती हूँ ना, वीडियो कर लेंगे इसका। कट्टा फिसल गया, सीधे सीधे शरीर से उठा लो, कट्टे ज्यादा इजी है। चलो कट्टा ज्यादा इजी मुझे भी लगा, कट्टा ज्यादा इजी है भैया। चलो चलो, अरे उसका बिल्कुल टांग ऐसी हो गई है, टांग ऐसी हो गई है। हम पहुंच गए हैं डॉक्टर मनीष के क्लिनिक, इसको ले चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या होता है, कैसा ट्रीटमेंट इसको क्या देना है और कैसे करना है। ये इसका पैर का सपोर्टर रेडी हो रहा है, सपोर्टर भी इसका फिक्स कर दिया। अब हम इसको लेके जा रहे हैं घर, और कम से कम 50 का इसका सपोर्टर इसके पैर में रहेगा। साथ में मेरे भाई है, उसको घर पे उतारने के लिए मेरी हेल्प के लिए जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसकी सिचुएशन क्या है। देखिए इसके दोनों पैरों पे सपोर्टर लगा दिए लोने के, आई होप जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, बस हम लोग कोशिश कर सकते हैं और क्या। और बाकी इसकी किस्मत, और आप सब लोग भी इसके लिए प्रे कीजिएगा कि ताकि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। दोस्तों मैंने इसको इसका एम्पीट्यूट करवा करके इसके पैर में फिक्सिंग कर दी है स्टैंड की, और वो सब करके मैं इसको घर ले आई हूँ, क्योंकि कोई भी एनजीओ वाले इसको रखने के लिए मना नहीं, वो मना कर रहे हैं, हम लोग के पास कैपेसिटी नहीं है, फुल है, ये है वो है, बहाने कर रहे हैं। तो अब मैंने इसको फ़िलहाल अपने घर के बाहर रखा हुआ है गेट के, पराल का बढ़िया करके अच्छे से गद्दा सा बना दिया है बिछा करके, उसमें आराम से रखा है, साइड में धुआं लगा रखा है और पानी वानी सब रखा है। तो अभी देख सकते हो आप, अभी इसको ना थोड़ा दर्द कम हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सुबह से कुछ खाना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और अभी इसने खाया है। अभी इसको हमने कुछ रोटियां, 8-10 रोटियां, कुछ हरी सब्जी चॉप करके और दाल वाल चावल ये सब खिलाया है, तो इसने खा लिया है। और अभी देखिए आप, मुँह चला रहा है, पराल खाने की भी कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको दर्द में थोड़ा सा रिलीफ मिला है इसलिए ये अब खा रहा है। चलिए आई होप जल्दी जल्दी ये ठीक हो जाए, बस भगवान से यही दुआ करेंगे, और फिर मैं बताती हूँ आगे इसकी अपडेट।
दोस्तों ये देखिए परी को मैं समझा रही हूँ कि उसको काटना मत, कुछ मत करना, यहाँ से झांक रही है वो भी बार बार, उसको समझ में आ रहा है। देखो परी परी वो देख बाबू, वो छोटा बच्चा है ना, उसको काटना मत, ठीक है? वो सोया हुआ है ना, नीचे सोया है ना, देखो कैसे देख रही है, उसको सब समझ में आता है और उसको पता है मुझे काटना नहीं है, उसको सिर झुक करके देख रही है। ये देखिए कैसे देख रही है, काटना नहीं, ठीक है बाबू? ये सोया है नीचे। पर्वण्य बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः।